शारदा नारायण हॉस्पिटल में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। खबर उत्तर प्रदेश के मोजन पर से है, जहां शारदा नारायण हॉस्पिटल में लोगों को ब्लड देने का तांता लगा हुआ था। वहीं कई लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया है और शारदा हॉस्पिटल ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। मेरी जैसे और भी महिलाएं बाहर निकल के आए, और आप जो मतलब जो हमारा देश भी पुरुष प्रधान देश है, औरतों को निकलने नहीं दिया जाता, पर मैं चाहती हूँ कि उनके पति, उनके पिता उनको ऐसे प्रोत्साहित करें और वो आए, सामने आए और अपना रक्तदान करें और किसी न किसी को अपने रक्त से एक जीवन दान दें। तो ब्लड देना जरूरी है? बिल्कुल देना जरूरी है, जो अपना है वो तो हम दे ही सकते हैं। आज शिविर है, दिवस है, इसमें पूरे विश्व के अंदर रक्तदान कैंप्स लगा के और रक्तदान करवाया जा रहा है। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही प्रेरणादायक समय है, जिसमें हम महिलाएं भी अब रक्त दे रही हैं। इसका मतलब है कि जो भ्रम टूट रहा है कि महिलाओं में रक्त की कमी होने के कारण महिलाएं जो है रक्त नहीं दे सकती, इनके अंदर भी जब भावना पैदा हो रही है तो हम लोग तो पुरुष हैं, हमको भी आके बच्चों को, पुरुषों को देना चाहिए रक्त, जिससे वो एक जीवन को और बचा सकें। और डॉक्टर साहब ने बताया कि एक खून से तीन जिंदगी बचती है, ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको समझना चाहिए। और जन कल्याण और जनमानस में के सहयोग में अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान करें। एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते मैं बहन जी का बहुत आभारी हूँ और मऊ की जनता और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपका आभार। तो सर क्या संदेश देंगे सर? हाँ, थैलेसीमिया से एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार खून बदल रहा है। इस